हरिबोल बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज भद्रा और भगवान गोपाल कृष्ण की। हम सबका सौभाग्य है इस्कान मंदिर और रथ यात्रा। वैसे इस्कान इंटरनेशनल के उज्जैन के इस मंदिर के संस्थापक परम पूज्य श्रीपाद भक्तिचारू जी महाराज साहब से मेरा प्रारंभ से परिचय भी था, और जब तक वो इस लोक में रहे उनका आशीर्वाद मुझे हर बार मिलता रहा। इस आनंद में मैं हमेशा सराबोर होता रहा। उनके आशीष की कृपा है कि आज लगातार एक के बाद एक जो जिस जगह सरकार काम दे रही है मैं लगातार काम भी कर रहा हूँ, और भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ जो आज सरकार का एक बड़ा जवाबदार काम मुझे मिला हुआ है। हरी बोल। और इसलिए जब हमारे उज्जैन में हर साल निकास चौराहे से ये यात्रा निकलती, 2007 से लगातार निकल रही है, इस वर्ष तो मध्य प्रदेश में 17 स्थानों पर अलग अलग रथ यात्रा निकल रही है, और इसमें चार चांद तब लग गए कि अभी तक तो एक रथ निकलता था, अब तीनों बहनों भाई के अलग अलग रथ निकाल रहे हैं। ये और आनंद आया भगवान कृष्ण का, बलराम जी का, दाऊ का और बहन सुभद्रा का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भगवान की ये लीला है और उज्जैन में उसका लघु रूप दिखता है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि उज्जैन के ही राजा इंद्रधनुष ने उड़ीसा में जा करके वहाँ का वो धाम भी विकसित किया था, और उज्जैन की उज्जैन से उड़ीसा जगन्नाथपुरी तक की वो सांस्कृतिक संबंध की परंपरा भी स्थापित की थी। मैं आज उस एक तरह से ऐतिहासिक संदर्भ को भी स्मृत कर रहा हूँ, और मुझे इसका आनंद भी आ रहा है कि भारत की सांस्कृतिक एकता में यही सारे कारण, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण ताकत रखते हैं। उज्जैन के अंदर धार्मिक पर्वों को मनाने की तो और अच्छी परंपरा है, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, मुझे कल दिन में वहाँ रहना है। मैं हर साल रहते ही था, इसलिए मेरी अपनी उपस्थिति भगवान के चरणों में भी आरती करके मैंने मान ली है, और इस रथ पर जब दिन में निकलेगा ऐसा लगेगा भगवान स्वयं अपने इस भ्रमण पे निकले हैं। उज्जैन में 5000 साल पहले ये हुआ भी है, भगवान जब आए सांदीपनी आश्रम में बलभद्र के साथ दाऊ के साथ, तो वहाँ सांदीपनी आश्रम पैदल ही गए थे, और मुझे इस बात की भी एहसास है एक बार नहीं ऐसे कई बार भगवान का उज्जैन में पदार्पण हुआ है। जब वो मथुरा से उज्जैन होते हुए द्वारका बसाने गए तब उज्जैन आए, रुक्मणी हरण का टाइम तब भी हमारी सीमा में आए थे, ऐसे कई मौके। इसलिए सरकार मित्रवंदा से विवाह के समय आए जहां उज्जैन से उनका मित्रवंदा का विवाह हुआ था, ऐसे कई मौके भगवान के उज्जैन के संदर्भ में मिलते हैं और मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने श्री कृष्ण पाथे की घोषणा की है कि जहाँ जहाँ भगवान के चरण रज पड़े वो प्रत्येक स्थान तीर्थ के रूप में विकसित करें। मैं आज के अवसर पर एक बार फिर स्कान के सभी हमारे अपने महाराज जी से लेकर के सारे बंधुओं का, सभी संस्थापक सदस्यों का, सभी इस डेवलपमेंट बॉडी जिसको क्या बोलते हैं गवर्निंग बॉडी, उस गवर्निंग बॉडी के महाराज जी का भी प्रणाम करता हूँ। और मैं मान के चलता हूँ कि मैं कल भाव से उपस्थित रहूंगा, शरीर से मुझे कहीं और रहना पड़ेगा। एक बार अच्छे आयोजन की मेरी बधाई। जगन्नाथ यात्रा हर साल निकलती है, इस वर्ष और आनंद बढ़ गया जब तीन रथ में अलग अलग भगवान निकलेंगे। भक्तिचारू जी महाराज साहब ने इसकी स्थापना करी, तब से मैं हमेशा अगर उज्जैन में रहा या आसपास रहा तो जरूर आता था। इसी क्रम में आज भी मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, चूँकि कल मैं भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी भोपाल में रहने वाली, इसलिए मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। भगवान का आनंद उज्जैन में चार गुना बढ़ जाता है, और उज्जैन और बाबा महाकाल, भगवान कृष्ण और महाकाल की मित्रता भी बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए साल में एक बार हरिहर मिलन बहुत अद्भुत होता है। ऐसे बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे, और गोपाल कृष्ण अपने भाई बलदाऊ के साथ, बहन सुभद्रा के साथ जब शहर में निकलेंगे तो पूरा शहर पलक पावड़े बिछाकर आपका अभिनंदन करेगा। भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। मेरी अपनी ओर से इस पूरी यात्रा की शुभकामना बधाई।